स्ट्रीट फूड में मिलने वाला कोई भी फूड हो ना, सच में बहुत ही गजब का, बहुत ही लाजवाब होता है। तो उसी में से आज ये एक रेसिपी मैं आपके संग शेयर करने वाली हूँ, जिसमें ब्रेड से लेकर चटनी से लेकर फिलिंग तक का सब कुछ कवर करने वाली हूँ, जिसे बनाने के लिए आपके किचन में बहुत ही आसानी से सभी इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे। चलिए फिर देर नहीं करते हैं, चलते हैं किचन में और मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब मजे में होंगे। मैं हूँ शफरुचि सक्सेना और अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज बनाने वाली हूँ वीकेंड स्पेशल में स्ट्रीट फूड की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, जो कि सच में सबके दिलों पर राज कर रही है। मैं बात कर रही हूँ नुक्कड़ नुक्कड़ पर मिलने वाले स्वरमा की। अपनी लास्ट वीडियो मैंने शेयर करी सोया चाप टिक्का की, और आज आपके साथ शेयर करूँगी मैं पनीर स्वरमा की रेसिपी। तो पनीर स्वरमा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर रेडी करनी होगी ब्रेड। स्वरमा की जो ब्रेड होती है ना, उसे भी आज घर पे ही बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो यहाँ पर पीटा ब्रेड बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 कप मैदा। 2 कप मैदे में मैंने लिया है इंस्टेंट ईस्ट। मेजरमेंट प्रॉपर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही में लेंगे 2 टीस्पून पाउडर शुगर और 1.5 स्पून सॉल्ट, और इसे वार्म मिल्क के साथ में एक सॉफ्ट डो नीट कर लेंगे। सो मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में डो नीडिंग की प्रोसेस दिखाई है, बस बिल्कुल उसी तरीके से डो को नीड करके लेना है। मिल के साथ में सारा डो अच्छे से कलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद डो नीडिंग के लिए इसे एक मार्बल पर ट्रांसफर कर लेंगे। पर मैंने रोटी बेलने वाला जो चकला होता है ना, उसके ऊपर इसे ट्रांसफर कर लिया। सो ब्रेड की डो की नीडिंग जितनी अच्छी होगी ना, ब्रेड उतनी ही अच्छी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर बटर के साथ में इसे अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे। तो बस यहाँ पे मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच बटर लिए हैं और इसे डो में अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। इसी देर में देखेंगे कि आपका जो डो है ना, वो काफ़ी लचीला हो गया है। तो इसे अच्छी तरीके से यूँ फोल्ड करेंगे और एक बोल में ग्रीस करके इसे रख लेंगे। क्लीन रैप से इसे रैप करके वार्म प्लेस पे करीब इसे आधे घंटे के लिए रख दें। साथ ही में ऊपर से थोड़ा सा ऑलिव ऑयल अप्लाई कर दें, जिससे ये ड्राई नहीं होने पाए। सो यहाँ पर आधे घंटे हो चुके हैं और ये देखिए फर्स्ट प्रूफिंग डन हो गई है। तो बस फटाफट से सारी एयर इसमें से रिलीज कर देंगे और सब डो को कलेक्ट करके इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे स्टोन के ऊपर। तो बस इसे यहाँ पर लोइयों में कट करेंगे और स्वरमे की रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। रोटी बनाने की पूरी तैयारी कर ली है मैंने। करीब 2 कप आटे में 7 से 8 पीटा ब्रेड बनकर तैयार हो जाएगी। एक एक करके इसे रोल करेंगे, जिस तरह से रोटी बेलते हैं ना, बस बिल्कुल उसी तरीके से इसे रोल करना है। स्वरमा की ब्रेड यहाँ पर बिल्कुल सेकने के लिए तैयार है। इसे बेक नहीं करना है, इसे तवे पर सेकना है। तो तवा मैंने यहाँ अच्छे से गर्म कर लिया है और ये देखिए रोटी तवे पर जा चुकी है। बस जिस तरह से रोटी सेकते हैं ना, इस तरह से दोनों तरफ पलटते हुए इसे पका लेंगे। तो ये देखिए ईस्ट बीस्ट यहाँ पे फूली फूली एकदम पीटा ब्रेड बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए फटाफट से स्वरमा की फिलिंग बना लेते हैं। तो एक एक करके मैंने यहाँ पर सभी रोटियाँ इस तरह से सेक ली। ये देखिए स्वरमा का जो ब्रेड है वो घर पर इतनी आसानी से बनकर तैयार हो गया, तो फिर बाहर से स्वरमा बनाने के लिए ब्रेड लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको ना इसे फोल्ड करके दिखा रही हूँ, ये कितनी सॉफ्ट है और कितनी देर भी इसे आप यूँ रखेंगे ना, ये बिल्कुल भी कड़क नहीं होंगी। ब्रेड को साइड में रखते हैं और अब बारी है फिलिंग बनाने की। क्योंकि यहाँ पर पनीर स्वरमा बनने वाला है, तो पनीर से कैसे पीछे रह सकते हैं। तो पनीर के यहाँ पर मैंने ले लिए हैं, यहाँ करीब मैंने आधा किलो पनीर लिया था। आधा किलो पनीर को मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है और इसे साइड में रख दिया। अब हम यहाँ पर एक मैरिनेशन रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 1 कटोरी हंकड़। साथ ही में डाल देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली। अब इसे तीखा बनाने के लिए डाल देंगे 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च। यहाँ पर आप अपने घर का जो स्पाइस है ना, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर होममेड स्पाइस यूज़ किया है, क्योंकि हम इसे इंडियन स्टाइल जो बना रहे हैं, इसलिए इंडियन स्पाइसेस तो जाएंगे ही। साथ में डाल देंगे चाट मसाला, गार्लिक का पाउडर और अनियन पाउडर। गार्लिक अनियन पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा पेस्ट करके डाल सकते हैं। आगे में जाएगा स्वाद के अनुसार नमक और ऑलिव ऑयल।
यहाँ पर कंप्लीट रेसिपी मैंने ऑलिव ऑयल में बनाई है। आप इसकी जगह पे बटर अगर लेना चाहते हैं तो बटर या फिर वेजिटेबल ऑयल भी ले सकते हैं। मैरिनेशन को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। तो मैरिनेशन यहाँ बिल्कुल रेडी है, इसे साइड में रखते हैं और जो पनीर है उसकी प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। पनीर के ऊपर सॉल्ट एंड चिली स्प्रिंकल करेंगे और अच्छे से इसके ऊपर रब करेंगे, जिससे सॉल्ट एंड पेपर का जो फ्लेवर है वो अंदर चला जाएगा, जिससे जब आप सेकेंड मैरिनेशन देंगे तो आपका जो पनीर है वो फीका नहीं लगेगा। तो ये टिप तो हर किसी रेसिपी के लिए है कि अगर पनीर को मैरिनेट करके बनाना है तो फर्स्ट मैरिनेशन में आप सॉल्ट एंड चिली से उसे रब कर दें। तो फर्स्ट मैरिनेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। जो यहाँ पर मैरिनेट बना कर लिया था उसे अच्छी तरीके से पनीर के ऊपर रब कर देंगे और ठीक इसी प्रोसेस को इस पनीर को पलटते हुए भी अप्लाई कर लेंगे। आप अगर पनीर सोरमा का जो फिलिंग है वो पार्टीज के लिए अगर रेडी कर रहे हैं तो आप इस तरीके से अप्लाई करके और क्लीन रैप से रैप करके फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको बनाना है, आपके गेस्ट आ जाएं, तब आप इसे निकालिए और फटाफट से अपना सोरमा रेडी कर लीजिए। बाहर से जो सोरमा आप लेके आते हैं ना, वो सोरमा के स्टैंड में लगाया हुआ होता है और वो फायर में अच्छे से रोस्ट हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास सोरमा मशीन नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे। तो बस कढ़ाई में बटर लीजिए, थोड़ा सा बटर लेना है और सारे पनीर को अच्छी तरीके से इसमें इस तरीके बिछा दीजिए। तो इस प्रोसेस को आप हाई फ्लेम पर करेंगे ना, तभी आपका जो इसका फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए, इस मैंने यहाँ तेज़ आंच पे इसे पका लिया है दोनों तरफ से। पनीर सोरमा की जो पनीर है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। तो इसे फिंगर्स में कट कर लेंगे क्योंकि रोटी में इसे अरेंज करने में आसानी होगी। आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। सोरमा जब मशीन में कुक हो रहा होता है तो आप देखेंगे उसमें फायर की बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो यहाँ पर हम चारकोल के साथ में इसे धुआँ करने वाले हैं। इसके लिए मैंने अच्छे से कोयले को गैस पर गर्म कर लिया है और उसके बाद उसमें डाल दिया है बटर और यहाँ पर लगा दूंगी लिड, जिससे इसका सारा फ्लेवर इसमें अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पर चारकोल का फ्लेवर अच्छे से आ जाए, मैंने 5 मिनट के लिए ढक के रख दिया था। ये देखिए कितना अच्छा, अब ये हमारा जो है स्मोकी पनीर सोरमा की जो फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। लगने वाली जो सॉस होती है ना, गार्लिक सॉस, वो बहुत ही कमाल की, वाकई में बहुत टेस्टी लगती है। तो आज वो सॉस हम यहाँ पर घर पे बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है क्रश करके गार्लिक, साथ ही में डालेंगे 1 टेबल स्पून विनेगर एंड सॉल्ट, साथ ही में इसमें जाएगा 1 टीस्पून शुगर। सोरमा के लिए जो गार्लिक डिप है ना, वो आप ऑलिव ऑयल के साथ ही बनाएं क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना, ऑथेंटिक फ्लेवर, वो इसी से ही आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है 2 से 3 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल, साथ ही में जाएगा 2 बड़े चम्मच मेयोनीज। जी हाँ, ये बिल्कुल जो वेज वाली मेयोनीज होती है ना, वो 2 बड़े चम्मच यहाँ पर डाल दीजिए। थोड़ा सा इसे टैंगी फ्लेवर बनाने के लिए हंकर डालेंगे। यकीन मानिए गाइस, अगर आप हंकर इसमें डालते हैं ना, तो हंकर डालने से इसका जो टेस्ट है ना, वो और भी लाजवाब हो जाता है। सोरमा के लिए जो गार्लिक वाली डिप होती है ना, इसके बिना सोरमा बिल्कुल भी अधूरा है, चाहे आप वेज बना रहे हो या फिर आप नॉन वेज के लिए बना रहे हो, ये डिप आपकी दोनों के सोरमा में जाएगी। तो गार्लिक डिप भी रेडी हो गई है, ब्रेड भी रेडी है और फिलिंग भी रेडी है। तो चलिए फटाफट से ना रोल को अरेंज कर लेते हैं। तो गार्लिक डिप के साथ में यहाँ पर जाता है सोरमा में कुछ और एलिमेंट, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर पोस्ट कर दी है, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फिर आप अदर रेसिपी के लिए उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। चलिए फिर फटाफट से इसे अरेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए सोरमा के ब्रेड और उसे अच्छे से मैंने तवे पे दोबारा से सेक लिया था। उसके बाद उसमें जो गार्लिक की डिप थी वो अप्लाई करी, और हाँ, गार्लिक की जो रेड चटनी होती है ना, ये मैंने ऑप्शनल रखी है, तो जिससे ये थोड़ा सा तीखा हो सके। तो आप अगर स्किप करना चाहते हैं तो बेशक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक एक करके, साथ ही में मैंने कैबेज को स्लाइस करके लिया है, फ्रेंच फ्राइज लिए हैं और पिकल वेजिटेबल लिया है। गोल्डन फ्रेंच फ्राइज और पिकल वेजिटेबल की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। बस गर्मा गर्म सोरमा को इस तरीके से रोल कर लेंगे। तो मैंने तो स्ट्रीट स्टाइल पनीर सोरमा की रेसिपी आप सभी के संग शेयर कर दी है। अगर आपको ये रेसिपी सच में पसंद आई है तो चैनल पर जाइए, फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे एक और न्यू रेसिपी में। बाय एवरीवन।